अपने सात सूत्री मांगों को लेकर बगोदर प्रखंड कार्यालय परिसर में चौधरी बांध के ग्रामीणों के द्वारा आयोजित अनिश्चितकालीन धरने के पहले ही दिन सोमवार को जमकर हो हंगामा हो गया। धरना का नेतृत्व कर रहे मुखिया प्रतिनिधि प्रेमचंद साहू एवं डीलरों के बीच शब्दों का जमकर बाण चला। एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई। कुछ लोगों के बीच बचाव करने से हाथापाई होने से पहले मामला शांत हो गया। वीडियो मनोज कुमार गुप्ता की मौजूदगी में हंगामा हुआ। हालांकि दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल पीडीएस विभाग से जुड़े सात सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को धरना शुरू हुआ था। वीडियो मनोज कुमार गुप्ता डीलर संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे हुए थे एवं विषय वस्तु को लेकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच डीलरों और मुखिया प्रतिनिधि के बीच इसी बात को लेकर तू तू मैं होने लगी और फिर कुछ देर के लिए हो हंगामा होता रहा। कुछ लोगों की पहल के बाद हंगामा शांत हुआ। बाद में प्रेमचंद साहू और धरना के समर्थन में भाजपा के लोग भी धरना पर बैठ गए। भाजपा नेता आशीष कुमार उर्फ पॉडर, सुदीप जायसवाल, जीवलाल महतो, राजू सिंह, जितेंद्र सिंह आदि धरना पर बैठे हुए थे एवं धरना स्थल पर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। बगोदर से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। देखिए, मैं आज 5-7 दिन के पहले आवेदन दिए थे कि हम लोकतांत्रिक ढंग से प्रखंड मुख्यालय में धरना देंगे डीलर और एमओ के खिलाफ में, जो कालाबाजारी राशन का किया गया। हम यहाँ पे धरना पर बैठे थे, वहाँ से एमओ के गुंडों के द्वारा आके मेरे साथ धरना स्थल पर मारपीट किया गया। उपस्थित यहाँ के मतलब वीडियो साहब भी उपस्थित रहे, उनके सामने मेरे साथ मारपीट किया गया। इसी बीच मुझे सूचना प्राप्त हुई कि वीडियो साहब के साथ में आकर एमओ के पाले हुए गुंडों के द्वारा इस बैठे हुए धरना स्थल पर इन प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। इनफैक्ट की प्रेमचंद साहू को पटक कर उसको गला दबा कर मारने का प्रयास किया गया है, जो कि काफी निंदनीय है। हमारे डीलर संघ में हरियन डीलर भी हैं, उन लोगों को अभद्र व्यवहार बोलने लगा, हरियन अशब्द कह करके धोबी शुमार का के प्रयोग किया कि हटिया आप लोग से कोई बातचीत नहीं करना है। वहाँ हमारे महिला लोग भी थी, महिला लोग को भी गाली गलौज कर रहा था। एसएससी समूह के महिला लोग साथ में थी, उन लोग साथ भी गाली गलौज किया है। इस पर हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगाया गया प्रेमचंद साहू जी द्वारा, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं चौधरी मानता, ये फरवरी माह में उधव रजक और एमओ द्वारा कालाबाजारी की गई है राशन की। उधव रजक डीलर है, वह दिसंबर में ही सस्पेंड हो चुके हैं और सस्पेंड अभी तक हैं। तो फिर ये